नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों सूर्य को जल चढ़ाना वैसे तो अपने आप में एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली उपाय है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर रोज सुबह जब सूर्य देव को जल चढ़ाए उस समय बोलते ही यह एक मंत्र। इस एक मंत्र को बोलने से आदमी रातों रात करोड़पति बन जाता है। जी हाँ दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाना वैदिक कालों से बताया गया है। अनेकों पुराणों भगवत पुराण, गीता पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्मा पुराण इनमें भी बताया गया है। दोस्तों जो भी व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है या फिर सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। व्यापार तेजी से उन्नति करता है। जीवन में आ रही सभी परेशानियां सहज ही खत्म हो जाती है। दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाना वैसे तो अपने आप में ही बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, लेकिन अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे के अंदर थोड़ा सा कुमकुम मिला लेते हैं और थोड़ा सा मीठा डाल लेते हैं जैसे कि गुड़ या फिर शक्कर, अगर ये डाल करके जल चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि सूर्य देव की कृपा अति जल्दी प्राप्त हो जाती है। अति शीघ्र ही आप धनवान और योग्य बन जाते हैं सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए दोस्तों इसी उपाय को और भी जल्दी करने के लिए, ताकि आपको प्रभाव और भी जल्दी मिले, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक मंत्र बताने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखें, हम आपको विधि बताएंगे और एक मंत्र बताएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप इसे डिसलाइक भी करें। दोस्तों आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर एक जानकारी को बहुत ही मेहनत से ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए लेकर आते हैं। आपके लिए अनेकों अनेक गुप्त टोटके, गुप्त उपाय, गुप्त मंत्रों के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपने जीवन में खुश रह पाएं और दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांट सकें सिर्फ इस वीडियो को शेयर करके। इसीलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आपको कभी भी शीशे, प्लास्टिक, स्टील इन बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको सूर्य देव को हमेशा ही तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो चांदी के लोटे से या चांदी के बर्तन से भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम होता है तांबे के लोटे से जल चढ़ाना। दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपको ब्रह्मपुत्र जो भी है, शनिदेव और यमदेव इनकी भी कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है तो सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में कमजोर या फिर पाप ग्रह में बैठा हुआ शनिदेव ये भी मजबूत हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि डालने की जगह आपके ऊपर सुदृष्टि डाल करके आपके जीवन को यूं ही सफल कर देते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए और कौन से वे खास मंत्र हैं जिनका आपको प्रयोग करना चाहिए। केवल एक ही ऐसा मंत्र है जो गुप्त मंत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे बोलने से आपके सभी पापों का नाश होता है, आपकी सभी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं, आप उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होते हैं और धन माया जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों अक्सर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि हम सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन जल तो चढ़ाते हैं लेकिन हमें कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, कोई भी उपाय अपनी पूरी अगर विधि से ना किया जाए तो वह असर नहीं दिखाता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना भी अति आवश्यक है। दोस्तों अगर आप सूर्य देव को जल सुबह के वक्त चढ़ाते हैं तो ही आपको उसका फायदा देखने को मिलता है, अन्यथा इसका पूरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल पाता है। दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय क्या है? सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय है सूर्य उदय होने के बाद से लेकर के अगले 3 घंटे, यानी सुबह के सूर्य उदय से 3 घंटे का वक्त सूर्य देव को जल चढ़ाने का है। साथ ही साथ दोस्तों मंत्रों का उच्चारण, दोस्तों मंत्रों का उच्चारण करने से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और आपको प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोग केवल जल लेकर आते हैं और जल चढ़ा देते हैं। सही पात्र से जल न चढ़ाना या फिर जल को सही तरीके से न चढ़ाना, पूरी विधि का इस्तेमाल न करना, उसमें सही डालने वाली चीजों को लोटे में न डालें या फिर मंत्रों का उच्चारण न करने से व्यक्ति को पूरा प्रभाव, पूरे उपाय का फल और पूरी मनोकामना की पूर्ति देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए दोस्तों आपसे बार बार निवेदन हम कर रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें और मंत्र की पूरी जानकारी करें, और साथ ही साथ मंत्र जानने से पहले आप पूरी विधि को जान लें ताकि आप कहीं भी कोई गलती ना करें
और पूरा प्रभाव देखें और अपनी सभी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से पूरा होता हुआ देखें। दोस्तों, जो आज की इस वीडियो में हम आपको मंत्र बताने वाले हैं, ये एक विशेष और गुप्त इच्छा पूर्ति मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। आप केवल 7 दिनों तक इस उपाय को करके देखिए। आप केवल 7 दिनों तक लगातार सूर्य को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप कीजिए और देखिए आपकी सभी इच्छाएं कैसे पूरी हो जाती हैं। आपके जो भी बनते बनते काम रुक जाते थे, वे देखिए अब कैसे बनने लगेंगे, कैसे आप अपने उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होंगे और तूफान की रफ्तार से आप दौड़ने लगेंगे। दोस्तों, अगर आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहते हैं, आध्यात्मिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ऐसे कहिए कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जितना चाहिए उतना धन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या फिर धन तो आपके घर में बहुत आता है लेकिन किसी न किसी अनावश्यक कार्यों की वजह से धन बार बार खर्च हो जाता है, तो दोस्तों आपको यह उपाय, जो मंत्र वाला उपाय है, दोस्तों आपको रविवार के दिन विशेष रूप से करना चाहिए। आप केवल 11 रविवार तक लगातार इस मंत्र को बोलते हुए जल को चढ़ाएं और सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में 2 लाल रंग के पुष्प डाल लें। ऐसा करने से आपकी जो धन प्राप्ति की इच्छा है बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। आपके लिए धन प्राप्ति के ऐसे ऐसे मार्ग खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका जो व्यापार है वो दिन दूनी और रात चौगुनी गति से दौड़ने लगेगा। आपके नौकरी में प्रमोशन होने के योग बन जाएंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी है एक ऐसा गुप्त उपाय बताने के लिए जिससे आप अपने जीवन की, चाहे वो धन कमाने की हो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने की हो, चाहे प्रेम विवाह हो, या विवाह में आ रही रुकावटें हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं, फिर गृह कलेश हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं जिनका हम नाम भी नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में उन्हें भोग रहे हैं तो आप उनका क्षण भर में निदान कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, केवल आपको एक तांबे का लोटा लेना है। एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें आप काले तिल और 5 काले उड़द के दाने, उड़द के दाने साबुत होने चाहिए दोस्तों, खंडित टूटे फूटे या फिर दाल वाले ना हो, साबुत उड़द के दाने लेकर आने हैं 5, वो आपको डाल देने हैं और थोड़ा सा आपको गुड़ डाल करके उसे अपने सिरहाने रख लेना है रात को। यानी कि अगर आप ये उपाय रविवार के दिन कर रहे हैं, रविवार के दिन से शुरू कर रहे हैं, तो आप इसे शनिवार के दिन ही ले आए। अगर आप शनिवार के दिन से शुरू करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार के दिन ले आए। दोस्तों, उत्तम रहेगा कि आप इसे रविवार के दिन से ही शुरू करें, क्योंकि दोस्तों रविवार का दिन वैसे भी सूर्य देव के लिए समर्पित है। दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही ये सारे चीजें मिलाकर के रात्रि के समय अपने सिरहाने रख करके आपको सो जाना है। सोते वक्त अपनी जो भी समस्या है और जो भी मनोकामना है हाथ जोड़ करके सूर्य देव से कह देनी है। अपने खाट पर या बेड पर बैठे बैठे ही आपको ये कह देना है और उसके बाद आपको सो जाना है। सुबह उठ करके उस जल को अपने सिर पर थोड़ा सा छिड़क लेना है। उसके बाद आप स्नान आदि करें और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आप इसमें 2 पीले फूल डाल लें। पीले फूल डालने के बाद आप सूर्य देव को इसका अर्घ दें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं वह गुप्त मंत्र जिसे आपको इस उपाय के वक्त भी बोलना है और जो भी आप उपाय करना चाहते हैं, जो तक हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, उनमें से किसी भी उपाय के वक्त करना चाहते हैं, तो आपको वह मंत्र बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना हो, पहले आप अपनी मनोकामना बोलें, उसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। दोस्तों, मंत्र बहुत ही सरल है लेकिन उससे पहले की जाने वाली विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि आदिकाल में ही इन मंत्रों को देवताओं की शक्तियों द्वारा बांध दिया गया था, इसलिए यह अपना पूर्ण असर नहीं दिखाते हैं जब तक कि इनको खोला नहीं जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप पहले अपनी आंखें बंद करें और 3 बार अपने जहां खड़े हैं वहां पर ही 3 बार घड़ी की उल्टी दिशा में चक्कर लगाएं। 3 बार घूम जाने के बाद आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम आदित्याय नमः। जी हाँ दोस्तों, आपने इस मंत्र को बहुत सुना होगा, आपको लगा होगा कि बहुत ही साधारण सा मंत्र है, लेकिन दोस्तों ये मंत्र की शक्ति तभी काम करती है जब आप उसको बंधन मुक्त करते हैं। दोस्तों, ये जो उपाय आपने आपको बताया कि घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी कि उल्टी तरफ फेरी देते हुए अपने आप की आपको 3 बार घूमना है और उस वक्त आपको सूर्य देव को याद करना है, क्योंकि दोस्तों यह मंत्र सूर्य देव से बंधित है। सूर्य देव ने इसे बांधा हुआ है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना कर सके और सब कोई भी आदमी गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस मंत्र के प्रयोग को करते हुए व्यक्ति गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद।
कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।